हेलो दोस्तों, शिक्षा जॉब्स एंड स्कीम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो जॉब्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 10th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज़ हैं और वैकेंसीज़ की क्वांटिटी भी बहुत मात्रा में है। 3,262 वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई हैं 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, सिर्फ 10th के जो आपके मार्क्स हैं उसके बेस पे आपका जो इसमें सिलेक्शन रहने वाला है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए वो भी फ़ीस जो है वो एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उनको फ़ीस नहीं देनी है। तो एक एक चीज़ हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर पाना चाहते हैं इस जॉब वैकेंसीज़ के बारे में या इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, ये जो वैकेंसीज़ हैं, हमारा जो ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो कि राजस्थान पोस्टल सर्कल, यानी कि राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान का जो पोस्टल का जो एरिया आता है वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज जैसा कि मैंने आपको बताया 3,262 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें दो तरह की पोस्ट आपके लिए हैं। एक है इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको हम BPM के नाम से जानते हैं, और दूसरा है इसमें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। दोनों की क्वालिफिकेशन जो है इसमें 10th रहने वाली है। 10वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें आपका जो मार्क्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 50% होने चाहिए, 55 होने चाहिए, 60% होने चाहिए। आपके जितने भी मार्क्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जब सिलेक्शन होगा तब आपका जो है मेरिट के बेस पे इसमें सिलेक्शन रहने वाला है। जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स ज़्यादा होंगे उनका पहले सिलेक्शन हो जाएगा, जिनके थोड़े से कम होंगे उनका बाद में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसकी जो सैलरी रहने वाली है, सैलरी में इसमें जो है आपको मिनिमम इसमें 10,000 से लेकर मैक्सिमम 14,500 तक की इसमें सैलरी रहने वाली है। ये डिपेंड करेगा कि जो TRC स्लैब क्या है उस पर्टिकुलर एरिया की जहाँ पे आपको काम करना है। उसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसमें 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एज की रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। और इसके जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 22 जून से ये स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21/7/2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, 10th स्टैंडर्ड वाले जो है कैंडिडेट, ओनली पासिंग मार्क्स वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूट कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, इसमें जिस एरिया में आपका जो है सिलेक्शन होगा या जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी उस एरिया का जो है आपको लोकल लैंग्वेज या लोकल भाषा वहाँ पे आपको आनी चाहिए। वो भी इस एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है कि कौन से एरिया के लिए कौन सी भाषा आपके लिए ज़रूरी है। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी हिंदी भाषा जो है आपको आनी चाहिए, ये आपके लिए कंपलसरी है। प्लस और क्या है इसमें, इसमें एक है कि आपको जो है साइकिलिंग करनी भी जो है आनी चाहिए, साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए। तो ये इसमें जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। फ़ीस मैं आपको बता चुका हूँ, ओनली 100 रुपीज़ फ़ीस आपकी लगने वाली है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है ये हम देख लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक एडवर्टाइज लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर जाकर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक जो है इस एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, जिसके लिए 21/7 जो है लास्ट डेट है। और ये जो है इसका URL एड्रेस है, indiapost.gov.in पे जाके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो फर्दर आप इस लिंक पे जाएंगे, जो कि 22 जून से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 21/7 तक जो है आप इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स हैं।
इस और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी आप जो है ऑनलाइन इसमें अप्लाई पेमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस भी। तो बेसिक डिटेल्स यही हैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। कोई और अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जहाँ तक कोशिश रहेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके अतिरिक्त आपको एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको कोई इससे क्वेश्चंस है आपका कोई माइंड में इस भर्ती के बारे में, तो आप इन नंबर पे जो है कॉल करके या इस ईमेल पर जो है मैसेज करके भी आप जो है अपनी क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जॉब के रिगार्डिंग, शिक्षा के रिगार्डिंग, या फिर जो स्कीम्स जो आती रहती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।